हेलो बच्चों, वेलकम टू जैक फ्रूट। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जाना था। इस वीडियो के अंदर बच्चों, हम जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप का होता है और उस करंट को कैसे जनरेट किया जा सकता है रियल लाइफ के अंदर, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम चलते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक करंट, उसकी बेसिक डेफिनेशन के ऊपर। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि अगर मैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं एक एरिया ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और इस एरिया में से ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पास कर रहे हैं, ऐसे पास करके। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि ये कितना चार्ज यहां से फ्लो किया, कितना चार्ज यहां से फ्लो किया पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी टोटल चार्ज। और इसका यूनिट आपको पता है क्या होता है, एम्पेयर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है बच्चों एम्पेयर। अब बच्चों, जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट करंट और एक अल्टरनेटिव करंट। अब डायरेक्ट करंट कौन सा करंट होता है, करंट हूज डायरेक्शन remains fixed। मान लो एक सर्किट था, आपने यहां पे एक बैटरी लगा दी, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, डायरेक्ट करंट हमेशा ऐसे चलता रहेगा, एक ही डायरेक्शन के अंदर हमेशा बस ऐसे चलता रहेगा। अब अल्टरनेटिव करंट क्या है, करंट whose direction changes after a regular interval ऑफ टाइम। हर एक इंस्टेंट के बाद जब भी डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता रहे, ऐसे करंट को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का सबसे पहले जो सोर्स होता है, उसका सिंबल कुछ बच्चों ऐसे दिखाया जाता है। मान लीजिए रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो मान लीजिए अगर एक बार करंट ऐसे जा रहा है, तो कुछ देर बाद वो करंट ऐसे जाना शुरू हो जाएगा। देखिए ऐसे उसका डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगा, फिर से ऐसे वो ऐसे चलता रहेगा, ऐसे गेम खेलता रहेगा, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। तो अगर डायरेक्ट करंट की बात करूं, उसका मैग्नीट्यूड विद टाइम कांस्टेंट रहेगा और उसको ऐसे शो किया जाता है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, दिस इज टाइम, तो वैसे कांस्टेंट रहता है। पर अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं, तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। देखिए ऐसे ऐसे शो किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट को, ये मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों, जो डायरेक्ट करंट है वो डीसी जनरेटर की हेल्प से जनरेट किया जाता है, और जो अल्टरनेटिंग करंट है वो एसी जनरेटर की हेल्प से जनरेट किया जाता है। बस अभी जो हमारा टारगेट है वो इन्हीं दोनों को पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम एसी जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। अब बच्चों, एसी जनरेटर क्या है, एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी
that converts mechanical energy into electrical energy. आपने देखा होगा अपने रियल लाइफ के अंदर के एक ग्रीन कलर का बाहर जनरेटर पड़ा रहता है, तो उसका जैसे हम शाफ्ट को घुमाते हैं हैंडल की हेल्प से, तो घर के अंदर बिजली आ जाती है. शाफ्ट घुमाना मतलब मैकेनिकल एनर्जी देना, और वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी. तो बच्चों एसी जनरेटर अब किसी ना किसी सिद्धांत पे काम कर रहा होगा, उसकी वर्किंग किसी ना किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करेगी. तो बच्चों वो जो प्रिंसिपल है दैट इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन. और अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि जब जब एक कॉइल में से फ्लक्स चेंज होगा तब तब उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा. तो चलिए आगे देखते हैं कि ये जो जनरेटर है ये कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं. तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक मोटर की तरह होता है परमानेंट मैग्नेट्स. जैसे कि आप देख सकते हो ये नॉर्थ और ये साउथ, दीज आर टू परमानेंट मैग्नेट्स. और इन परमानेंट मैग्नेट्स का जो पर्पस है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर कॉइल आर्मेचर, ठीक है, यानी कि यहां पे लिखा हुआ ए बी सी डी, ए बी सी डी. जैसे कि इलेक्ट्रिकल मोटर के अंदर भी आर्मेचर था, सिमिलरली एसी जनरेटर के अंदर भी एक आर्मेचर होता है. ये वो कॉइल है जिसके अंदर वो करंट इंड्यूस होगा, जिसके अंदर वो करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा. तो आर्मेचर का पर्पस ये होता है. नेक्स्ट आर स्लिप रिंग्स. ये देख सकते हो आप, ये जो ये ऐसे सर्कल बना हुआ है, ऐसे कंप्लीट सर्कल देखिए, आर वन एंड आर टू. तो ये दोनों क्या होती हैं, ये दोनों होती हैं स्लिप रिंग्स. वहां पे थी स्प्लिट रिंग्स, यहां पे है स्लिप रिंग्स. अब इन स्लिप रिंग्स का पर्पस क्या है वो हम जानते हैं. अब यहां पे देखिएगा ये जो आर्मेचर आ रहा है ये ऐसे करके यहां पे और यहां पे स्लिप रिंग्स के साथ अटैच कर दिया. द टू एंड्स ऑफ द कॉयल आर कनेक्टेड टू द रिंग्स. और एक इंपॉर्टेंट खास बात, जो इनकी इनर साइड होगी रिंग्स की वो इंसुलेटेड होगी, वो कंडक्टिंग नहीं होगी. तो हमने तीन पार्ट्स जान लिए, परमानेंट मैग्नेट्स, आर्मेचर एंड स्लिप रिंग्स. आगे बढ़ते तो बच्चों नेक्स्ट इज कार्बन ब्रशेस. उसके अंदर भी कार्बन ब्रशेस थे, इसके अंदर भी कार्बन ब्रशेस थे. वहां पे भी कार्बन ब्रशेस स्टेशनरी थे, यहां पे भी कार्बन ब्रशेस स्टेशनरी हैं. वहां पे भी वो रिंग्स के साथ अटैच थे, यहां पे भी ये रिंग्स के साथ अटैच है. उनका एकमात्र पर्पज है सर्किट को कंप्लीट करना. नेक्स्ट इज बच्चों एक्सल. एक्सल वही शाफ्ट बच्चों, यहां से जो पास होगी, यहां से ऐसे करके पास होगी, दैट इज गोइंग टू बी एक्सल. ये दोनों क्या होंगे, देखिए ये दोनों क्या होंगे, ऐसे ब्रशेस होंगे जो ऐसे रिंग्स के साथ लगे होंगे. और ये जो ऐसे जिसको आप ऐसे घुमाओगे, देखिए आप यहां से क्या प्रोवाइड करोगे, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे इस हैंडल को घुमा करके. एंड लास्ट इज गल्वेनोमीटर. अब गल्वेनोमीटर यानी कि यहां पे ऐसे बाहर क्या लगा होगा, यहां पे गल्वेनोमीटर लगा होगा. अब पता कैसे चलेगा, अब जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे कि करंट आया कि नहीं आया, हाथ थोड़ी लगा करके देखोगे, इंस्ट्रूमेंट ही लगाओगे ना, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो करंट को मेजर करता है दैट इज गल्वेनोमीटर. तो एक्सटर्नल सोर्स के एक्सटर्नल सर्किट के अंदर आपने क्या लगाया होगा, गल्वेनोमीटर लगाया होगा. अब देखते हैं कि जो एसी जनरेटर है वो कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना. मैं क्या करता हूं यहां पे पहले इन पॉइंट्स को मार्क कर लेता हूं. Let's suppose this point is P, this is Q, this is R and this is S. बच्चों ये कॉइल थी, ये कॉइल थी,
यहाँ पे से शाफ्ट पास कर रही है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट खास बात क्या है, ये जो आर एस है इसको हमने रेड कलर से मार्क कर रखा है, और ये जो क्यू पी क्यू है, ये जो पी क्यू है इसको हमने येलो कलर से मार्क कर रखा है, येलो या फिर ऑरेंज जो भी आपको प्रसीव हो रहा है। अब बच्चों ये जो पी क्यू है ना, ये पी क्यू जो है दिस इज ऑलवेज अटैच्ड टू रिंग बी। बच्चे ये जो पी क्यू देखो, पी क्यू आ रही है, पी क्यू ऐसे ऐसे आ रही है, पी क्यू आ रही है, पी क्यू आ रही है, पी क्यू पी क्यू, और ये ऐसे बी रिंग के साथ हमेशा अटैच्ड है, ऑलवेज अटैच्ड टू रिंग बी। और ये जो आर एस है ना, ये हमेशा अटैच्ड है और हमेशा रहेगी भी अटैच्ड टू रिंग ए। अब बच्चों आपने क्या केस को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बच्चों आपने इसको घुमाना शुरू किया। जैसे ही आपने इसको घुमाना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो ये जो पी क्यू था उसके पास वेलोसिटी आई ऊपर की तरफ, ये जो आर एस था उसके पास वेलोसिटी आए नीचे की तरफ, और ये जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देखिए ऐसे नॉर्थ टू साउथ। तो जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, कि अगर कंडक्टर जाएगा ऊपर की तरफ, कंडक्टर ऊपर की तरफ, फील्ड इस तरफ, तो करंट की वैल्यू आएगी अंदर की तरफ। और यहां पे राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर कंडक्टर जाएगा नीचे की तरफ, फील्ड जाएगी इस तरफ, तो करंट की वैल्यू आएगी से बाहर की तरफ। तो बच्चों यहां पे करंट ऐसे जाएगा अंदर की तरफ, और यहां से करंट ऐसे आएगा बाहर की तरफ। तो जैसे ही करंट यहाँ पे आया, करंट यहाँ से पास होगा, फिर ये रिंग से होता हुआ करंट यहाँ पे आएगा, फिर ये करंट यहाँ पे आएगा, और ऐसे करके करंट बी में एंटर करेगा, और फिर ऐसे। तो यानी कि इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो, जैसे ही आपने इसको टर्न किया, तो जो करंट है एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर, दैट इज फ्रॉम ए टू बी। देखिए यहाँ से ऐसे करता वो करंट आएगा, और ऐसे करता इस तरफ चला जाएगा। तो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट इज फ्रॉम ए टू बी। और अगर आप फ्लक्स की हेल्प से चीज जानना चाहते हो, तो अभी ध्यान से देखना, इस फिगर के अंदर जो कॉइल थी वो ऐसे पड़ी थी, देखिए, और फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं इसके ऊपर से स्लाइड करती हुई, ठीक। तो यहां पर अभी फ्लक्स क्या है, जीरो है। जैसी ये जो लूप है, जैसे ये वर्टिकल हो जाएगी यहां पे, जैसे ये वर्टिकल पोजीशन के अंदर आई, तो बच्चों देखो कुछ ऐसे हो गया। जैसे ऐसे हुआ तो इसके अंदर से ऐसे फील्ड लाइंस ने क्रॉस करना शुरू कर दिया। तो यहां पे फ्लक्स क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। यहां पे फ्लक्स था जीरो, यहां पे फ्लक्स हो गया नॉन जीरो। और हमें पता है जब भी फ्लक्स चेंज करेगा तब तब करंट आएगा। अब इस इंस्टेंट पे देखते हैं बच्चों के, क्या इस इंस्टेंट पे सर्किट के अंदर कोई करंट है या फिर नहीं है। अब यहां पे आप देख सकते हो ये रेड है तो ये आर है, ये एस है, ये ऑरेंज है तो ये पी है, और ये क्यू है। तो बच्चों इस इंस्टेंट पे जो फील्ड है वो, जो स्पीड है, जो ये कंडक्टर है ये ऐसे जा रहा है, देखिए ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ और फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे एंगल बन गया 180 डिग्री। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे वेलोसिटी है इस तरफ, पी क्यू की वेलोसिटी इस तरफ, फील्ड तो इस तरफ है ही, यहाँ पे एंगल बन गया 0 डिग्री। पर बच्चों हमने राइट हैंड थंब रूल के अंदर, पर बच्चों हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के अंदर जाना था, जो वेलोसिटी
फील्ड और करंट होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 0 डिग्री और 180 डिग्री बन रहा है, तो जिसके कारण इस इंस्टेंट पे जो करंट होगा वो 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही ये 180 डिग्री तक रोटेट कर जाएगा, देखिए 180 डिग्री पे रोटेट करते ही जो PQ है वो देखिए इस तरफ आ गया, जो RS था, जो PQ RS था वो यहां पे आ गया, देखिए RS। अब PQ जा रहा है नीचे की तरफ, फील्ड है इस तरफ, तो यहां पे करंट आएगा बाहर की तरफ। अगर मैं RS की बात करूं, RS जा रहा है ऊपर की तरफ, फील्ड है इस तरफ, तो जो करंट आएगा वो आएगा अंदर की तरफ। तो देखिए यहां पे करंट आ रहा है इस तरफ और यहां पे करंट आ रहा है बाहर की तरफ। एक चीज मैंने आपको बताई थी, जो PQ है वो B को अटैच्ड है, और जो RS है, जो RS है वो A को अटैच्ड है। तो बच्चों देखना, यहां से PQ से करंट जब आएगा तो ऐसे यहां पे आएगा, यहां पे ध्यान से देखना, फिर करंट ऐसे आगे पास करेगा, मैं यहां पे शेड कर रहा हूं, देखो करंट ऐसे पास करेगा, फिर अब B में आएगा, फिर B से यहां पे करंट आएगा, तो करंट यहां से ऐसे निकलेगा आए, फिर यहां से ऐसे निकलेगा आए, फिर गैल्वेनोमीटर से पास करेगा, फिर यहां पे आएगा करंट आए, फिर यहां पे आएगा, फिर ये इसके अंदर ए रिंग के अंदर आएगा आए, फिर वहां से यहां पे आएगा आए, और फाइनली ऐसे एसआर से होता हुआ वापस चला जाएगा। तो बच्चों इनिशियली जो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट चला था वो ए टू बी चला था, पर अभी जो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर करंट चल रहा होगा वो बी टू ए चल रहा होगा। और उसके बाद देखिए, अब इसके बाद जैसे ही वर्टिकल हो जाएगा फिर से, ये जैसे ही फिर से वर्टिकल हुआ, यानी कि इस टाइम पे 180 प्लस 90 270 डिग्री पे टर्न कर चुका होगा। देखिए वेलोसिटी इस तरफ, फील्ड इस तरफ, एंगल 180, यहां पे वेलोसिटी इस तरफ, फील्ड भी इस तरफ, एंगल 0 डिग्री। तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इस इंस्टेंट पे करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे होगे कॉन्टिन्यूसली, पहले करंट चला था ए टू बी, फिर करंट चला ये 0 डिग्री कंडीशन, 180 पे चला बी टू ए, 360 पे चलेगा ए टू बी, फिर से आगे जैसे जैसे प्रोसीड करता रहेगा बी टू ए। तो देखिए करंट कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, करंट कॉन्टिन्यूसली कभी ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, तो इसलिए ये क्या था, जनरेशन ऑफ एसी करंट। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा एसी करंट खत्म होता है, धन्यवाद। अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे और उसके अंदर मैं आपको डीसी जनरेटर को एक्सप्लेन करूंगा।